लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के 10वें दीक्षांत समारोह पर केंद्रीय खेल और युवा कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले से घोषणा की थी कि हमें 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए देश की जनता एक साथ संकल्प पूर्ति के लिए आगे बढ़े। हम जब विकसित भारत का संकल्प लेकर चलते हैं तब देश के हर नागरिक को स्वस्थ रहना जरूरी है और इसके लिए हर नागरिक फिट इंडिया के नारे को साकार करे, तब जाकर देश विकसित भारत बनेगा। विद्यार्थी आने वाले दिनों में विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने के लिए जो भी सेक्टर में जाएंगे इस सेक्टर में अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को रेड फोर्ट से जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था उस वक्त घोषणा करी थी कि हमें 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए 140 करोड़ की जनता एक साथ में एक संकल्प के साथ आगे बढ़े। देश के हर युवा अपना कर्तव्य का निर्वहन करे और जब हम विकसित भारत का स्वप्न लेके चलते हैं तब देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहने के लिए फिट इंडिया के नारा को साकार करे, फिट रहने के लिए शारीरिक श्रम के साथ जुड़े और आगे बढ़े, तब जाके देश विकसित भारत बनेगा। मैं आज इस इंस्टीट्यूट के दीक्षांत समारोह में सभी पास आउट विद्यार्थियों को आह्वान करा है कि आप प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए आप देश के प्रति नेशन फर्स्ट की भावना से अपना सार्वजनिक जीवन में कंट्रीब्यूशन करते रहे, यही भावना मैंने व्यक्त करी। धन्यवाद।